ये लोग पार्ले जी बिस्किट खा रहे हैं। आप इसको देख करके कंफ्यूज मत हो जाना, ये है क्या है, ये बहुत बड़ा। वेलकम यू गर्ल। भाई गजब का कांड हो गया यहाँ पे। आई एम सो सैटिस्फाइड, आई वांट टू मेक 20 चिल्ड्रन नाउ। टाइगर सिर्फ मार खाते हुए तांजानिया के अंदर। हिंदी विल से योर मर्द, यू से मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द नहीं, नहीं मर्द को, मर्द को दर्द नहीं होता। दाहिने रे दो हाथा, दर्द नहीं होता, दर्द नहीं होता। हाँ, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, मर्द को दर्द नहीं होता। डू लाइक दिस, दर्द दिन मर होता। थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि हम भाई के साथ उनके घर पे आए थे। उनके घर के बगल में एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर है जिनका ओनर जो है वो कनाडा में रहता है, तो इसका केयर टेकर यही है, यही लोग इस घर की देखभाल करते हैं। तो यहीं पे हम रहने वाले हैं, मतलब ये भी यहीं पे रहते हैं अपने दोस्त के साथ। ब्रदर यू ऑल्सो स्टे हियर, यू स्लीप हियर एट नाइट। हाँ, तो ये भी रात को यहीं पे सोते हैं। तो इस रूम में हम सोने वाले, यहाँ पे एक बेड लगा हुआ है और बाकी फ्लोर्स जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन और काफ़ी सुंदर है, मतलब काफ़ी बड़ा सा घर है। और भाई मेरे लिए लाए है चाय, ये चाय है और ये ब्रेड है, ब्रेड को हम भक्का बोलते हैं इंडिया में, इसको भक्का बोलते हैं इतने बड़े वाले ब्रेड को। और चाय, यू मोस्टली ईट इन प्लास्टिक? या नो नो, सम टाइम वी एक्सचेंज इफ सम इज नॉट वॉशेज सम कप वी यूज। ओके ओके ओके। और इनको मैं खिला रहा हूँ इंडियन का, इंडिया का बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट मैं लेके आया था। हाउ इज द बिस्किट ब्रदर? इट्स गुड। तो दे सो स्वीट, सो स्वीट। ये लोग पार्ले जी बिस्किट खा रहे हैं। और यहाँ पे और दो भाई से हाय। हाय हाय, हाउ इज द बिस्किट? इट्स मोर स्वीट, यू हैवंट एट, हाउ हाउ कैन यू से। तो मैं भी ये ब्रेड और चाय खा लेता हूँ क्योंकि यार बहुत भूख लगी है। सुबह का ही ब्रेकफास्ट में किया हुआ जो फ्लाइट के अंदर खाना मिला था वही खाया हुआ हमें। पैर हाथ भी धोना है, नहाना भी है, काफ़ी लंबा दिन है आज हमारे पास। अभी दोपहर के दो ही बज रहे हैं, काफ़ी लंबा दिन है हमारे पास आज। तो बने रहना चैनल के साथ, चैनल पर नए हो पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना यार। तो इनका चाय जो है ना काफ़ी अलग है, तांजानिया के अंदर तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी ये जांजीबार का मेरा पहला चाय है, तांजानिया का मेरा पहला चाय है। और चाय जो है काफ़ी अलग है, प्लास्टिक के मग में चाय है और पानी है और उसमें हल्का हल्का सा कलर दिख रहा है। तो ये भाई बता रहे हैं कि पानी के अंदर लेमन ग्रास, लेमन ग्रास डाल के इसको उबाल दिया गया है और हल्का सा चीनी डाल दिया गया है। यू एडेड शुगर, शुगर शुगर शुगर, लेमन ग्रास एंड बॉइल्ड वाटर। तो बहुत पीने में अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये ब्रेड है, भक्का बोलते हैं इसको हम लोग तो। और ये ब्राउन ब्रेड मेरे पास है, कुछ बचा हुआ था तो मैंने शेयर कर दिया साथ में। ब्रेड खा के देखते हैं कैसा है। गुड, नॉर्मल ब्रेड जैसे हमारे तरफ ब्रेड होता है, बड़ा बड़ा पाव रोटी, वही पाव रोटी है। तो ब्रेड और चाय हम खा रहे हैं यहाँ पे, जैसे दो तीन बच्चे लोग भी है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है भाई लोगों के साथ यहाँ पे, और आगे आने वाले वीडियोस में आपको और भी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। ओह थैंक यू फॉर द टी, असांते साना। इंडिया में जैसे हम दोपहर को चावल खाते हैं, इंडिया में जैसे हम दोपहर को चावल खाना प्रेफर करते हैं, दोपहर में चावल खाने से क्या होता है ना, बहुत हेवी वाला फूड होता है। तो तांजानिया के अंदर दोपहर के, तो तांजानिया के अंदर दोपहर को तांजानिया के लोग क्या खाते हैं? दोपहर में यहाँ के लोग खाते हैं उगाली, उगाली। तो भाई ये है उगाली, अब आप इसको देख करके कन्फ्यूज़ मत हो जाना, ये है क्या है, ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है भाई। मतलब ये बर्तन आप देखो, ये मेरा हाथ देखो, बस ये मेरा हाथ देखो और इसका साइज़ देखो, ये बहुत बड़ा है उगाली। और ये बनता है वीट के फ्लोर से, वीट बार्ली, वीट उगाली, उगाली विच फ्लोर, मेज, मेज। ये बनता है मेज के फ्लोर से, मेज मतलब भुट्टा, भुट्टा अगर आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेज के फ्लोर को बर्तन के ऊपर रख करके और उसको लगातार बीट किया जाता है तो फिर जा करके ये बनता है। और ये दोपहर को ये लोग प्रेफर करते हैं खाने के लिए, बहुत ही कॉमन फूड है यहाँ तांजानिया का। और साथ में ये है बीन्स, बीन्स बीन्स, इंडिया में इसको राजमा बोलते हैं। ये इसके अंदर देखो, ये राजमा है, राजमा और
Ugali. So brother, start. Rajma with the ugali. Rajma with the ugali. Rajma with ugali. Ugali. Start. Okay, welcome. Indian, welcome, ugal. Okay, you take this and you make. You make like this one. Okay, then. Be strong. Then. Dip it. Then you put like this, then. अरे वाह, ट्राई करते हैं. इट्स सो हॉट ब्रदर, सो हॉट भाई, बहुत गर्म है यार. सो हॉट. उगाली को हमने ले लिया, इसका हमने बना लिया दो तीन पैड मार करके. राजमा के अंदर इसको डिप किया हमने ऐसे, और फिर ये गया हमारे मुंह के अंदर. यस, हाउ डू यू फील? So hot. If you feel that way. राजमा हमारे इंडिया के जैसा ही है, लेकिन ये युगाली काफी अलग से इसका टेस्ट है, काफी अलग सा टेस्ट. शायद मैं बता नहीं पाऊँ क्योंकि ये कोई टेस्ट ही नहीं है. मतलब इसको डिप करके जब मैं खाऊँ राजमा का, तो राजमा का टेस्ट है, इसका टेस्ट आ नहीं रहा है. और भाई बोल रहे हैं ना कि ये खाओगे ना तो 20-20 बच्चे पैदा करोगे. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? You what you said me that you eat this, you will become father of 20 children. Even you going to farm to cultivate. If you eat this kind of food, you will be strong. You cultivate long hectares. Long hectares. Yeah. Okay. Yeah, man. थैंक यू. भाई गजब का कांड हो गया यहाँ पे. कांड ये हो गया ना कि इतना जो उगाली था ना, मैं अकेले बैठ के खा रहा था, सभी लोग उठ गए, तो मेरा खाया हुआ हो गया और मैं जा रहा था हाथ धोने. तो भाई साहब बोलते हैं कि तुम छोड़ के जा रहे हो. मैंने बोला यार मैं इतना थोड़ी खाऊंगा. तो ये बोल रहे पता है क्या कि हम लोग तो रेस्ट ले रहे हैं, अभी 2-3 मिनट का रेस्ट लेंगे फिर बैठेंगे खाने के लिए. जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा तब तक उठेंगे नहीं. मेरा दिमाग खराब हो गया. मतलब ऐसे कौन खाता है भाई एक बार. मतलब देखो वो भाई को देखो, कपड़े कपड़े खोल करके वो वहाँ पे आराम कर रहा है, ये हाथ वाथ धो के आराम कर रहा है. अभी 2-3 मिनट के बाद ये लोग फिर बैठने वाले हैं खाने के लिए. अब मेरा तो हो गया भाई एक ही बार में. आई एम डन ब्रो, आई एम डन ओनली इन वन टाइम. यू ऑल विल सीट. Yeah. To eat again. Yeah. Yes, yes. We have 5 minutes to rest. Then we come back until we finish. I will try to give company. I can't promise, but I will try. No problem. मतलब गजब है यार. बहुत बहुत कल्चरल डिफरेंस है, बहुत खानों में डिफरेंस है, और कलर डिफरेंस है, बिहेवियर डिफरेंस है, रहने का तरीका में डिफरेंस है. अभी तो मैं आपको रूम के अंदर ही दिखा रहा हूँ, अभी बाहर मैं आपको गाँव वहाँ भी दिखाने वाला हूँ, लोकल लाइफ स्टाइल भी दिखाने वाला हूँ. और ये लोग जब बैठेंगे ना तो मैं कोशिश करूंगा इनको मैं टक्कर तो नहीं दे पाऊंगा भाई. आई एम सॉरी इंडिया, मैं इनको टक्कर नहीं दे पाऊंगा, बट आई विल ट्राई टू गिव कंपनी. सी ही इज टेकिंग रेस्ट. आई गॉट रस्टिंग, आई एम सो सैटिस्फाइड. आई वांट टू मेक 20 चिल्ड्रन नाउ. यू आर गोइंग फॉर नमाज? या. Where? Masjid? Yes. Can I come? Guys, रात के करीब 9 बज रहे, मैं सो गया था. तो मैं चैंजी भाई जो है वो अभी हम उनके साथ मार्केट गए हुए थे क्योंकि उनको अपने फ़ोन में रिचार्ज कराना था. इनके घर पे हूँ मैं अभी. इनके घर पे लाइट नहीं है क्योंकि लाइट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगा और ये लोग लाइट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. तो यहाँ पे सोलर से ये लोग काम चलाते हैं और मोबाइल वगैरह चार्ज करने का भी कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है. तो इनके घर के बगल वाला जो घर है वहाँ पे बिजली है, तो ये अपना सारा काम वही चलाते हैं. अभी इनके हम घर पे बैठे हुए हैं और रात का खाना खा रहे हैं. दोपहर के खाने में हमने खाए थे ब्रो, व्हाट वी ईट इन द आफ्टरनून? या युगाली. दोपहर को हमने युगाली खाया था, रात को यहाँ पे लोग अनुमम यहाँ पे रात को लोग अमूमन चावल खाते हैं, तो हम भी चावल खा रहे हैं अभी. और चावल के साथ क्या क्या मैं आपको दिखाता हूँ ब्रदर. जाम्बो साफी. साफी मीन्स? मीन्स पोवा. पोवा मीन्स? कूल. Cool. Yeah. Yeah. What is this? Can you please say? This is rice. Rice and? This is rice mixed with the rice maize. Okay. There is the
बीन्स बीन्स यस चावल है, बीन्स है, आलू की सब्जी है, लेडीज फिंगर यस भिंडी की सब्जी है, और आम है यहाँ पे मैंगोज। भाई क्या आप विश्वास करोगे कि जनवरी के महीने में मैं आम खा रहा हूँ? अफ्रीका के अंदर पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे आम जो है ना वो काफी ज्यादा सालों भर मिलता है, और आम जो है ना मेरा फेवरेट फूड है भाई। आम इज वन ऑफ माय फेवरेट फूड। सबसे पहले तो मैं आम का बाइट लेने वाला हूँ ब्रो। दिस इज माय फेवरेट, दिस इज माय फेवरेट मैंगो। या तो मैंने एक लिया आम का टुकड़ा। ओके लेट्स गो टुगेदर। बहुत मीठा है भाई, बहुत ज़्यादा मीठा है। अभी देखो खाना खाने के बाद वैसे ही मैं सोने वाला, क्योंकि अभी जेट लैग हो रहा है मुझे, क्योंकि फ्लाइट का काफ़ी ज़्यादा थकान जो वो निकल रहा है। और मैचेंजी थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर द थैंक यू सो मच। असांते साना, असांते असांते हकुना मटाटा, नो प्रॉब्लम हकुना मटाटा। ओके तो राइस खाते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं। तो चलो यार खाना कंप्लीट करते हैं। पहली बार यार मैं डिनर कर रहा हूँ तंजानिया के अंदर, और देखो भाई कैसे खा रहे हैं। चावल उन्होंने लिया हाथ में, उसको गोल गोल किया और सीधा मुंह के अंदर। तो यार यहाँ पे मैं चैंजी की बहन, उनकी मम्मी लोग बैठ के खाना खा रही है, और सभी लोग आराम से, मतलब ये चीज़ बहुत सही है कि सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, और खाना इन्होंने बनाया था, तो इनको मैंने बोला थैंक यू सो मच फॉर द फूड, और थैंक यू सो मच ब्रदर। असांते थैंक यू टू असांते अशांते हकुना मटाटा, हकुना मटाटा नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो यार अभी हम ना बगल के एक दुकान पे आए थे, और यहाँ पे बच्चे उधर बैठ के टीवी देख रहे थे, तो मेरे अंदर उत्सुकता हुई कि क्या देख रहे हैं लोग, चलो मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे देखो बच्चे लोग बैठ करके टीवी देख रहा है। जब मैं आया यहाँ पे तो मैं देख करके भाई साहब अचंभे में पड़ गया, ये टाइगर श्रॉफ चल रहा है यहाँ पे भाई। टाइगर श्रॉफ मार खाते हुए तंजानिया के अंदर। ब्रदर दिस इज इंडियन मूवी, आई एम फ्रॉम इंडिया। हिंदी मूवी this movie is in translated in Swahili? No. So it's not translated. So which language? I think it's not in language. It's not in any subtitle. I think they use the Hindi language. But there is some people they take and they convert into Swahili. भाई मूवी ट्रांसलेटेड नहीं है, मूवी हिंदी में ही चल रही है यहाँ पे, और हिंदी में ही गाने भी बज रहे हैं, और इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी बैठ के ये लोग टाइगर श्रॉफ का एक्शन देख रहे हैं। सही यार हमारा इंडियन सिनेमा कहाँ कहाँ तक पहुँच गया, मतलब तंजानिया के छोटे से आइलैंड ज़ांज़ीबार के छोटे से गाँव के अंदर भी हमारा इंडियन सिनेमा पहुँच गया। सो दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट एंड बाय बाय। मंजिल मेरी तुम हो, चलूं मैं जिस रास्ते, दुनिया मेरी तुम हो, देखूं मैं जिस ख्वाब में। मंजिल मेरी तुम हो, चलूं मैं जिस रास्ते, दुनिया मेरी तुम हो, देखूं मैं जिस ख्वाब में।